बच्चों को गुड आफ्टरनून। मैं योगेश त्रिपाठी नारायणा क्लासेस से आज आपको बेस मेथड बताता हूँ। इस बेस मेथड की सहायता से हम कोई भी स्क्वायर नंबर जो 100 के नियर अबाउट है, 100 के ब्लो हो या 100 से अबव हो, उसको हम 2 से 3 सेकंड में बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, एकदम आसान मेथड है। देखिए आपको आ जाएगा, इससे सामने एक नंबर लिखा हुआ है 94। 94 का स्क्वायर हमको बेस मेथड से निकालना है, तो ये 100 के पास है। ये 94 100 से 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर लिख दिया हमने 36। अभी जितना कम है उतना और हमने इससे लेस कर दिया, इससे हमने -4 -6 कर दिया, तो ये हमारा आ गया 88। तो ये हमारा 88 36 94 का स्क्वायर निकालना है। देखिए कितना सरल है, 100 से 6 कम है, 6 का स्क्वायर 36, जितना ये कम है उतना और 94 से लेस कर दिया, 88 36। नेक्स्ट देखिए 99, एक का स्क्वायर होता है एक, सिंगल डिजिट है, 0 बढ़ा दिया, -1 कर दिया, 98 देखिए निकल आया। तो 2 से 3 सेकंड में हमारा ये स्क्वायर नंबर निकल रहा है बेस मेथड की सहायता से। अगला देखिए 88 100 से कम है, 12 का स्क्वायर होता है 144। अब यहाँ पे 12 का स्क्वायर होता है 144, तो यहाँ पे हमको 44 लिखा और एक हमने कैरी कर दिया, और माइनस यहाँ पे 12 किया तो हमारा आया 76 में ये एक हमने ऐड कर दिया, तो ये निकल आया 7744। नेक्स्ट देखिए 96 100 से 4 कम है, 4 का स्क्वायर हो गया 16, -4 किया तो ये आ गया 92 16। नेक्स्ट देखिए 102, अब ये 100 से अबव है, तो 100 से जो बिलो होते थे उसमें हम क्या करते थे, जितना कम होता था लेस कर देते थे। इसमें हमें क्या करना है, जितना अबव होगा उतना हम ऐड कर देंगे। जैसे 2 का स्क्वायर होता है 4, सिंगल डिजिट है 0, 102 में 2 ऐड कर दिया तो ये हमारा हो गया 104। नेक्स्ट देखिए ये 106, 6 का स्क्वायर होता है 36, 106 में 6 ऐड कर दिया तो ये हमारा हो गया 112 36। नेक्स्ट देखिए 112 का निकालना है, 12 का स्क्वायर होता है 144, 44 लिखा, एक कैरी, 112 और 12 124 और एक 125। नेक्स्ट देखिए 107, 7 का स्क्वायर होता है 49, 107 में 7 ऐड कर दिया तो कितना आ गया 114। तो आपने देखा इस बेस मेथड की सहायता से 100 के पास में हम कोई भी स्क्वायर नंबर बहुत ही तेजी से निकाल सकते हैं। अगर बच्चों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।